ओवरकम स्टैमरिंग वीडियो कोर्स का फोर्थ वीडियो दोस्तों, मैनेज योर टाइम। कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करें ताकि आप अपने स्टैमरिंग को भी ओवरकम कर सके और साथ में आपका पर्सनल या फिर प्रोफेशनल काम भी कर सके। बहुत लोग का ये बार बार क्वेश्चन आता है कि हमें समय नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने को, तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। देखिए दोस्तों, हर पर्सन के पास 24 घंटे का समय होता है जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मे बी आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो रूट कॉज आपने आइडेंटिफाई किया होगा उसके साथ आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आप घर से अलावा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कार में बैठे हैं, जैसे कि आप बाइक पे कहीं पे जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस या फिर इम्प्लीमेंटेशन है जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी समय वीडियो को शूट कर सकते हैं, आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टाइम को देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा टास्क है जो मैं रियल लाइफ में कर सकता हूँ अगर आपको समय नहीं मिलता है। जिसमें कि सबसे पहला दोस्तों आपको काम ये करना पड़ेगा कि जो आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उसका नाम और उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप कौन से टाइमिंग में करते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठते तो आपको लिखना पड़ेगा 6 AM को आपको लिखना पड़ेगा आप क्या उठ जाते हैं। उसके बाद अगर आप लिखते कि 9 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा 9 AM को आप करते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद दोस्तों अगर आप 11 बजे ऑफिस जाते आपको लिखना पड़ेगा वे टू ऑफिस। अगर आप दोस्तों रात को 10 बजे सोते आपको लिखना पड़ेगा 10 PM स्लीप। तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कामों को लिखना पड़ेगा जो आप नॉर्मली करते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारे टाइमिंग बीच बीच में आते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए। जैसे कि सिंपल है, जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते समय आप किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, या फिर आप कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपसे होता है। तो आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करते समय आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। हर किसी के पास 24 घंटे का समय होता है जो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप वो मैनेज नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं स्पेसिफिक संडे को ही प्रैक्टिस करूंगा और मैं मंडे को प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस न्यू हैबिट ऑफ स्पीकिंग को सीखता है। आपने दोस्तों सीखा होगा कि स्टैमरिंग इज नथिंग बट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तो अगर आपको अपनी नई आदत को इंस्टॉल करना है अपने माइंड में, तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देने पड़ेंगे। अपने माइंड को आपको कुछ ना कुछ बार बार बोलना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी कुछ नया सीखने के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीख सकते हैं बहुत जल्दी न्यू हैबिट ऑफ स्पीकिंग। और इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन को मिक्स करना सीखिए। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की, और रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। आपको ये सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर ही प्रैक्टिस करेंगे और अगर वो टाइम निकल गया तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर ऐसा होगा तो आपके माइंड को कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे उसके। तो मेक श्योर करना कि जब आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करते हैं तो अपने टाइम को मैनेज जरूर करना, पर्सनल प्रोफेशनल और स्टैमरिंग को लेकर थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना। और खास करके रियल लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते जो शायद से आप नहीं कर रहे हैं। आज से उसको दोस्तों करना स्टार्ट कीजिए, लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा कुछ ना कुछ आप घर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा ही, बट आज से आप ये ज़रूर कंफर्म करना कि आप आज से कुछ ना कुछ समय निकालने वाले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।